तो खाटू में आने की कभी गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आप आ गए तो फिर कोई जाने का रास्ता नहीं है। अगर हमारे हिंदू भाई नहीं होंगे तो हम ये भजन भी किसको सुनाएंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और आज हम लोग जा रहे हैं श्री खाटू श्याम जी, जो कि है सीकर राजस्थान में। हम लोग हर मंथ जाते हैं लेकिन इस बार सारांश नहीं गया है तो व्लॉग मुझे भी करना पड़ रहा है, और इस समय इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। तो सुबह के 4 बजे से निकले हुए हैं लेकिन जाम की वजह से हमें इतना लेट हो रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर। अभी भी मैंने अम्ब्रेला ले रखा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है। अभी हम लोग कुछ खाने के लिए रुके थे, चल फटाफट से खाटू श्याम जी की तरफ और देखते हैं अभी कैसा रास्ता रहेगा, बारिश ज़्यादा होगी और या देखते हैं। चलो गाड़ी की तरफ चलते, बहुत तेज बारिश हो रही है। कैसी शक्लें बनाते हो एडी। हम लोग गाड़ी में आ गए हैं, अब चलते हैं फटाफट से, देखो कितनी बारिश है बाहर। पहाड़ जो है इनको पूरे बादल ऐसे छू रहे हैं और इतना सुंदर वो आ रहा है। लगभग 13 घंटे के बाद हम लोग खाटू पहुंच चुके हैं। अब आप लोग शॉक हो गए होंगे कि 13 घंटे बारिश में इतना ज़्यादा जाम था, इतना ज़्यादा जाम था कि 3-3, 4-4 घंटे हम लोगों को रुकना पड़ा। और मैं व्लॉग इसलिए नहीं कर पाई बीच में क्योंकि मैं सो गई थी, थक इतने गए थे, इतनी देर से बैठे हुए हैं। अब जाके खाटू श्याम जी पहुँच गए हैं फाइनली और अब रूम में जा रहे हैं, चलते हैं। तो फाइनली मैं और मम्मी रेडी हो चुके हैं, डैडी रेडी होने गए हैं और फटाफट से चलते हैं कीर्तन की ओर। बहुत लेट हो गया और गाइस पहली बार लेट हुआ है इतना ज्यादा, मतलब वो भी बारिश की वजह से। दिल्ली से खाटू तक 15 घंटे में आए, वरना 6 घंटे लगते। 6 घंटे और अगर जाम भी ना मिले तो 5-5.5 घंटे में फटाफट पहुंच जाते हैं लोग, लेकिन आज बहुत ही ज्यादा लेट हो गए। चलो चलते, जय श्री श्याम। अब हम लोग रेडी हो गए और अब चलते हैं धर्मशाला में हाजिरी लगाने और कुछ खाने। सेवा लगी है, अब कुछ खाने के लिए हम लोग आए और दामोदर को भी मैंने खिला दिया और अपनी गैया को भी खिला दिया था। चलो हम भी कुछ खाते हैं, अभी तो मैं लस्सी मैंने मंगवा ली है। तो खाना आ चुका है हमारा और अब सभी खाने को रेडी भी हैं, खाते हैं। लगी है बहुत। Oh।
ये दूसरी धर्मशाला में हाजिरी लगाने के लिए। अरे जब से नाम जब से जब से जब से जब पदाचार्य आदरणीय भक्ति नंदन ठाकुर जी से मेरी मुलाकात हुई और इसी विषय पे चर्चा हुई। चर्चा में बहुत देर तक हम ये बात करते रहे कि वहाँ की सीढ़ियों पे, मस्जिद की सीढ़ियों पे आश्चर्यचकित होंगे आप, वहाँ की सीढ़ियों पे अब भी आज भी हमारे श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है सीढ़ियों पे। और वहाँ पे दूसरे मजहब के लोग उन्हीं सीढ़ियों पे चढ़ के हमारे श्री कृष्ण भगवान को कुचलते हुए चले जाते हैं। हम कैसे शांत कर सकते हैं? रुकना अब नहीं है, थकना अब नहीं है। हो सकता है यहाँ पे या हो सकता है बाहर मेरी आवाज पहुंच रही हो, कुछ लोगों के मन में आ रहा हो क्या अंजलि द्विवेदी भजन गायिका हो, भजन गाओ ना। हिंदू धर्म, हिंदुस्तान, सनातन, क्या है ये सब? अब उन मूर्खों को मैं कैसे बताऊं? अगर हमारे हिंदू भाई नहीं होंगे तो हम ये भजन भी किसको सुनाएंगे? फरियाद मेरी सुनकर बाबा तुमको भी पसीना आ जाना, रोना तेरी चाहत में कि सावन का भीना आ जाता। कि बाबा आज जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट है, जो दरबार में बैठकर आप थोड़ा भी मुस्कुरा रहे हैं, किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? आवाज नहीं आ रही, किसकी वजह से है? पेपर बोल दो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मम्मी डैडी प्रसाद ले रहे हैं, चलते हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं और इतनी ज्यादा पानी की वजह से कीचड़ हो गई है नीचे और पत्थर भी थोड़े बहुत ज्यादा चुभने वाले हैं ना। फिर हम लोग जा रहे हैं, मैं और डैडी एक दूसरे को पकड़ पकड़ के, मम्मी आगे, भैया है हमारे एक, उनके साथ जा रही है। चलते हैं, दिखाती हूँ अंदर का। रखना मेरी लाज, रखना मेरी लाज। अरे वो ब्लॉक करो। हम जयपुर वाले हैं, जयपुर वाले, दिल्ली वाले हैं। तो अगर जो लोग अभी तक खाटू नहीं गए हैं, देख लीजिए शाम प्रेमी ऐसे दीवाने होते हैं, तो खाटू में आने की कभी गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आप आ गए तो फिर कोई जाने का रास्ता नहीं है। वाला बाल मारो सावरो रुखाड़ो, भैया लगी लेना लीली की ताप टप टप करके के ओ आयो सावरो, लीली की ताप टप टप करके ओ आयो। ये मैंने क्या देखा अभी? I'm gonna make it.
काफ थोड़ा क्रेजी लगा लेकिन इट वॉज फन. ये हमारे बाबा बैठे हैं. मैं वापस ना जाऊंगा दिल में ये सोच के आया. आप दीना नाथ है हम तो अनाथ है. दुखिया गरीब की बाबा फरियाद है तेरी जो लाज है बाबा हाथ है. तो बिल्कुल बाबा सामने है, अगर मैं दिखा पाऊंगी तो पक्का दिखाऊंगी. पता ही बोल देगा. हाँ, सुरेश भैया है वैसे तो, वैसे मुझसे छोटे हैं लेकिन भैया बोलती मैंने. और मम्मी रेडी है और हमारे भैया बहुत अच्छा गाते हैं. ठीक है, अंदर बाबा बैठे हैं तो हम लोगों के दर्शन हो चुके हैं और अब सब लोग चप्पल वगैरह पहन रहे हैं और ये तो पहन के नहीं आया रूम से. अभी वो रूम में जाके अपना चेंज करेंगे और चलते रूम की तरफ. फिर घर चलना है, हम घर चलेंगे और खाना रास्ते में खा लेंगे. तो मैं तो कड़ी पकौड़ी खाऊंगी. लल्ला को भी कुछ पिलाएंगे दूध वगैरह बाहर से. और आप भैया? मुझे हमेशा मिठाई पसंद है. मिठाई मिलेगा वो देख लेंगे. तो मिठाई तो ले भी ली है वैसे ना. वो प्रसाद है, प्रसाद भी खाऊंगा, मिठाई अलग है इसके अलावा. आप देखो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और दीवान की देखो. हमारे आओगे आएंगे. चलो चलते हैं रूम में. तो गाइस हाजिरी भी लग चुकी है और बाबा श्याम के दर्शन भी हो गए. आज हम बहुत लेट आए थे तो हम लोग दर्शन अब किए क्योंकि इस टाइम थोड़ी भीड़ थोड़ी कम मिली हमें और थोड़ा सही लगा. भीड़ भी कम थी यार, मुझे ना भीड़ से थोड़ा डर भी लगता है. तो दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए जैसे कि आपने देखा. अब निकलते हैं, गाड़ी वाले भैया को हमने बोल दिया है, फटाफट चलते हैं दिल्ली की तरफ और रास्ते में खाना खाएंगे. चलो. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. Hey, good morning guys. This is next day और अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और अभी हम लोग बस घर के लिए निकले हुए हैं. रास्ते में है अभी एक हाईवे किंग करके एक होटल पड़ता है बीच में, उस पर हम लोग अक्सर रुकते हैं खाना खाने के लिए. मम्मी भी अभी यहाँ पे बैठी है. मम्मी है, डैडी है और अब खाना खाते हैं. और अब मैं करती हूँ इस ब्लॉग का एंड. मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय. जय श्री श्याम. आप सभी को बारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. बाय. थैंक यू.